डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। और आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को फेंटा लगाया। पाकिस्तान ने क्या समझा था कि चार बैट्समैन खिला के विद नो मिडिल ऑर्डर, नो स्पिनर्स, नो नथिंग, पाकिस्तान इतनी बड़ी टीम को हराने चला जाएगा? ना, इम्पॉसिबल है। सो पाकिस्तान की जो ह्यूमिलेशन है वो आपके सामने है। पाकिस्तान को बच्चों की तरह मारा है इंडिया ने आज, बच्चों की तरह, क्योंकि बच्चों की तरह हिंदुस्तान ने मारा है। ये मुझसे देखा नहीं गया क्योंकि बहुत ही रूथलेसली खेला है। अगेन बुमराह इधर है, बाकी सारे इधर हैं, क्योंकि बुमराह जो बॉलिंग करता है, अगर मैं टेक्निकल बात करूं आपसे, देखें इंजरी से आया है, वापस अनफिट हुआ, वापस चला गया, फिर दोबारा आया। देखें वो लेंथ बॉल उसका कितना तेज कर रहा है। लेंथ बॉल इसी वजह से तेज हो सकता है जब आप पीछे जाते हैं बॉल के लिए, आप बैक बेंड करते हो। उसको कोई परवाह नहीं है कि मैं टूट जाऊं, जो मर्जी हो जाऊं, वो ऑनेस्ट तरीके से बॉलिंग करता है। ईमानदार क्रिकेटर है, मुल्क के लिए जान देता है, खून डोलता है अपना। सो क्या बात है बुमराह की, क्या बात है जडेजा की, सराज अगेन, आई मीन देखे कुप्तानी, देखें रोहित शर्मा की मार पड़ी, उसको चेंज नहीं किया। बॉलिंग चेंज देखी रोहित शर्मा की आपने? कुप्तानी में फर्क देखा? दोनों टीमें कुप्तानों में फर्क देखा आपने? उसने हटाया नहीं। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया चाहिए, आपने ज्यादती की है, आपने ज्यादती की है मेरे बाबर के साथ, आपने ज्यादती की है मेरे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के साथ। आपने बाबर को टॉस जितवाया तो कान में ये भी तो बता देते कि पहले बैटिंग ले ले बेटा, बाद में तो 150 भी नहीं बनेगा। ये कोई तरीका है? ये कोई बदतमीजी है आप लोगों की? ये कोई बात है? ये तो क्या, तुम उसको आउट कर दो सालों घंटे के बच्चों, आओ ना, बताओ ना उसकी अहमियत, बताओ उसकी फजीहत। नेपाल में छुपे हुए सारे साजिशियों निकल कर तुम्हारी ऐसी गली, हमारी लालच ज्यादा टीम का कप्तान बाबर आजम है, इस शिकस्त का जिम्मेदार ये घंटे का किंग है, घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। हर माँ अपने बच्चे में विराट कोहली देखती है, हमें इस तरह के घंटे के किंग नहीं देखती वो, जिसने कभी भी लालच पड़वा ले। अभी केला पकड़ा दिया, अबे ये फील्डिंग में हार गए थे, बैटिंग की जरूरत रही थी इनको, इनकी शक्लों पे देखा था जनाजे नाच रहे थे, इनकी शक्लों से हवाइयां होनी भी थी सालों की भी नहीं हो। नहीं, आई एम श्योर जाहिर है, लेकिन ये पाकिस्तानी नहीं है। हम देखिए, हमारे हमारी भी गलत सोच है, हम हर चीज डाल देते हैं इंडिया पे कि इंडिया अच्छे से चलेगा। अबे लड़ो ना यार, हमारे हाथ में भी तो बैठ रहा है। कहते हैं अगर आप कहते हैं कि वो दुश्मन मुल्क है, चेयरमैन ने कहा था, तो भाई दुश्मन फिर क्या करेगा, प्लेट पे रख के देखा गया। और खुदा रहा, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ अपने तमाम क्रिकेटर से, साबिक भी और हाल के भी, हमारी एक भी इंटरटेनमेंट बची है? यस, अगर ये भी खो गई तो हम फिर क्या करें? जिस शर्म का सामना करना पड़ा है, जिस शर्मनाक किस्म की शिकस्त का सामना करना पड़ा है, शायद आज तक मैंने इतनी बदतरीन शिकस्त पाकिस्तान को इंडियन टीम के हाथों इतना जलील होते हुए, इतना मैं कहता हूं अल्फाज खत्म हो गए हैं। यकीन कीजिए, आज सर पीटने को दिल कर रहा है कि ये वही टीम है, ये वो टीम है कि जिसको हम नंबर वन टीम कहते हैं। शर्म आनी चाहिए और बेशर्मो, और तुम लोगों ने मुल्क की इज्जत गंवा दी। आज पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की इज्जत को रुसवा कर दिया तुम लोगों ने। कहां बेचकर आए इस मैच को? क्या हो गया तुम्हारे हाथों को? क्या हो गया तुम्हारी उंगलियों को? क्या हो गया तुम्हारी आंखों को? क्या हो गया तुम्हारी टेक्निक को? किधर गया वो घंटे का किंग इस जिल्लत के लिए? अरे हारते कम से कम लड़कर तो हारते, तुमने तो लेडे उनके सामने बेशर्मो, कोई बेशर्मी की इंतहा होती है और तुमको वो नहीं आनी। उसकी वजह यह है कि यहां से विकटें गिर रही थी, उधर से व्यूज आ रहे थे, जो आपका ड्रेसिंग रूम है उसके व्यूज क्या आ रहे थे? तुम्हारे दांत निकल रहे थे, बेशर्म लोग। पैसा सब कुछ है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए मुल्क का नाम कुछ नहीं है। तुमने बाबर आजम, तुमको शर्म आनी चाहिए। ना तुमसे आज कप्तानी हुई, ना तुमसे आज बल्लेबाजी हुई, हेजड़ों की तरह डांस करते थे उनके बॉलर्स के सामने, शर्म आनी चाहिए। एक साल के बाद वो आया है जसप्रीत बुमराह, उसने तुम्हें तिगनी का नाच नचाया, तुम डांस कर रहे थे उसके सामने, कभी इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है बाबर आजम। पता ही नहीं है, ये दुनिया का नंबर वन बल्लेबाज है भाई, घंटे का नंबर वन। हमने तुम्हें इस दिन के लिए सब कुछ किया था तुम्हारे लिए कि तुम ये दिन दिखाओगे हमें। वर्स्ट एवर, शर्मनाक, शेमफुल, घटिया तरीन डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट। ये तो गली के बच्चे भी अच्छे खेलते इससे, यार कितना गिर गए हो तुम लोग। आज तो तुमने पाकिस्तानियों की इज्जत नफ्स को मजरूह कर दिया। उन्होंने आपका घंटा बजा दिया, क्या हुआ बाबर घंटे को आज, क्या हुआ रिजवान लूमड़ी को, क्या हुआ उसे, घंटा बज गया। इंडिया ने बता दिया आपको वर्ल्ड कप में जीतने का सोचना भी ना, पकड़ देंगे, उखाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे, कर दिया उन्होंने। किंग बाबर आजम, मेरे अल का किंग बाबर आजम, घंटा बाबर आजम, इसके अलावा मैं उसे नहीं जानता।
और पता चल गया अबू कौन है क्रिकेट का। अब बावना गली गली में घूम रहा है। पाकिस्तान के क्रिकेटर एक्स क्रिकेटर स्टेटमेंट देते हैं, 76 साले भाई निकल, जो तू स्टेटमेंट दे रहा था इंडिया को हराओ हीरो बन जाओ। अब आना मैंने मार देना है, मैंने फड़का देना है, मार दूंगा मैं, मैंने अल्लाह की कसम मेरा दिमाग तपा हुआ है, मैंने मार देना इस टाइम। एक भी बॉलर को अच्छा नहीं खेल सके आप लोग, उकाते हैं आपके ये बगैरत के बच्चों। तू नाम बदनाम कर रहे हो पाकिस्तान का, कहां गया आपकी इंटेंट, कहां गया आपकी डोमिनेशन, कहां गया आपका बाबर आजम किंग। बढ़ गए सारे, बढ़ गए सारे, बढ़ गए सारे, बढ़ गए सारे, बढ़ गए सारे। बाबर आजम तू मेरे एल का किंग है, मेरे एल का। आप सोच नहीं सकते पाकिस्तानी कितना दुख में इस टाइम, बर्बाद हो गए, तबाह बर्बाद हो गए, लोगों के रिमोट टूट गए, लोगों की टीवी टूट गए, लोगों ने अपना घर भेज दिया, लोगों ने कहा हमने पाकिस्तान मुल्क में रहना है, ऐसे मुल्क में रहने नहीं है जिस मुल्क में टीम जीत ही नहीं रही। आपको पता है हिटलर ने क्या किया था, जब 5 दिनों का टेस्ट मैच था, हिस्ट्री में ये लिखा हुआ है, 5 दिनों का टेस्ट मैच इतना ड्रॉ हो गया था, हिटलर ने सारे बंदे ठोक दिए थे। मैं कहता हूँ इनको भी ठोक दो इनको भाई, इन्होंने नहीं जितवाना, मैं तुम्हारे दिलों के साथ क्यों खेल रहे हैं। मैं दुआ मांगता हूँ 2026 का जो वर्ल्ड कप है पाकिस्तान खेलना, अल्लाह करे बाहर हो जाए। इनको मैं पकाना पकड़ाऊँ, इनके हाथ में गुब्बारा हवा वाला, ये उठ जाए अल्लाह करे।